अब ये बाहर से लोग, बस इन्होंने मुझे परमिशन दी अंदर शूट करने के लिए, तो ये एंट्रेंस है। तो मैं अभी कैथे थिएटर के अंदर आया हूँ, परमिशन मैंने ले ली शूट करने की। तो कैथे थिएटर में अभी देखते हैं कैसा है थिएटर अंग्रेज़ों के ज़माने का। ये कुछ वाओ, क्या जबरदस्त है। और ये ब्रिटिश एरा का ही है ना, ये ब्रिटिश टाइम से ही है सर, 1887 में बनाया गया था। 1887 में 320 सीटें है इसमें। और ये जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए ड्रामा या थिएटर, वो जो शोज, कौन सा लाइव थिएटर देखने के लिए उन्होंने इसे बनाया था। और अभी इस पे जो इंडियन कल्चरल, और अभी इसमें थिएटर होता है ना, अभी भी इसमें थिएटर होता है, वो इंडियन कल्चरल और जो रिलीजियस वगैरह प्लेज होते हैं ना। हाँ जी, काफ़ी ब्यूटीफुल है। जरूरत नहीं रहती है, विदाउट एनी माइक प्ले होते सारे। अच्छा, वो इसका इतना मतलब एकॉस्टिक बहुत अच्छी है बनाया गया है कि वो बिना माइक के ही पूरे थिएटर में आवाज़ आराम से सुनाई देगी ना। ऊपर से देखते एक बार नज़ारा कैसा है, किधर से स्टेयर। भाई बहुत ज़बरदस्त लुक है यहाँ से। ये अंग्रेज भी क्या क्या छोड़ के चले गए, अपने मनोरंजन के लिए बनाया था उन्होंने, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और इसमें ये स्पेशल गेस्ट के लिए बॉक्सेस भी बनाए गए। और ये स्पेशल बॉक्स है जो वीआईपीज वगैरह के लिए। जबरदस्त लुक आ रही है। एक इधर है और एक ये साइड है जो VIPs या कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए। इधर ऊपर अभी ऊपर चलते हैं। और यहाँ से नज़ारा और जबरदस्त। इसकी एक खास बात और भी है, बाहर जितनी गर्मी बढ़ती रहती है जी, ये ऑटोमेटिकली ठंडा होता रहता है अपने आप। इस तरीके से बनाया गया है ये, इसमें मटेरियल वैसा यूज हुआ है जो कि गर्मी को ठंडक में तब्दील कर देता है। पत्थर ऐसे लगाए हैं, बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हाई हो जाए अंदर नहीं आने देता। अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवाया था। और ये सारे जो आपको ये बेल जो दिख रहे हैं ना ऊपर जी, जो ऊपर की छत में सीलिंग है, वेंटिलेशन होती है इससे, वेंटिलेशन भी है। ये जो इधर की तरफ एक ये और एक ये, चार हाँ आगे की तरफ भी है दो, तो ये वेंटिलेशन के लिए है। तो यहाँ से सबसे ऊपर वाली सीट से बैठ के नज़ारा कुछ होगा। सामने स्टेज है, जो भी प्ले या ड्रामा प्ले करते होंगे। सबसे मशहूर मूवी गदर। अच्छा गदर, गदर की शूटिंग यहाँ हुई थी वो गाने वाली। गाना लो भाई, अब याद आ गया, अब ये स्टेज जो मैं निकला गड्डी लेके वो यहीं शूट हुआ था। और देख सकते हो कितना खास है ये। गदर के अलावा भी इस थिएटर में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जबरदस्त। और लास्ट इसमें शूटिंग हुई थी अरिजीत सिंह के गाने बड़ा पछताओगे की, जिसमें नोरा फतेही और विक्की कौशल ने एक्टिंग की है।
ये जो चार वेंटिलेशन के, एक दो तीन चार, तो अभी चलते हैं। मैंने कहा था इनसे सिर्फ 2 मिनट लूँगा, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ भी फोटोग्राफी नहीं है। और ये एक फोटो गैलरी है, रेनोवेशन से पहले की फोटोग्राफ से। ये रेनोवेशन से पहले टाइम टाइम के हिसाब से, जो शिमला की हिस्ट्री के हिसाब से और इसके रेनोवेशन के हिसाब से इसकी सारी फोटोज़ है यहाँ पर, ब्रिटिश टाइम की भी है। जबरदस्त है भाई, एंट्री मुझे मिल गई, लेकिन वो बोल रहे थे कि यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं होती है, शूट करने के लिए चार्जेस लगते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे परमिशन दे दी। गांधी जी शिमला आए थे, उनके भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, और पुराने जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके फोटोग्राफ्स लगे हैं। शिमला में जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ये सारा हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं शिमला के। ये आप देख सकते हो, ये शिमला का ही नज़ारा है, और ये जो क्राइस्ट चर्च है, वाइसरीगल लॉज का फोटो कहाँ पे है? ये वाइसरीगल, लेकिन अभी थोड़ा अंधेरा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाइसरीगल लॉज, और ये एक आर्ट गैलरी और है, कैथे थिएटर में यही आर्ट गैलरी भी। क्या ये पब्लिक के लिए ये ओपन है पहले ये आपको, गैलरी? हाँ है कि जी, ये जो आर्ट गैलरी और ये कुछ एंशियंट स्टैचूज रखे, ये क्या पब्लिक के लिए ओपन है, लोकल हाँ पब्लिक? देखने के लिए ओपन है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और टिकट वगैरह इसकी नहीं, एंट्री फ्री फीस? एंट्री है लेकिन फोटोग्राफी अलाउड नहीं। ओके, टाइमिंग्स इनकी कुछ? इसका 10 से 6 बजे, 10 से 6 बजे तक। हाँ जी। वीकेंड्स में बंद किस दिन रहता है ये? मंडे मंडे होता है। मंडे क्लोज होता है। थैंक यू। तो भाई काफ़ी औसम टूर था ये, जो कैथे थिएटर का था, ये मुझे अभी तक का सबसे ज़बरदस्त टूर लगा। और कैथे थिएटर में इन्होंने एंट्रीज बंद कर रखी है, लेकिन मुझे इन्होंने परमिशन दी थी शूट करने की, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये जो या थिएटर के स्टूडेंट वगैरह होंगे, तो ठीक है, वीडियो में आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सब्सक्राइब।